उत्तर प्रदेश में मस्जिद मंदिर विवाद में अब संभल जिले की शाही जामा मस्जिद का नाम भी जुड़ गया है। यहाँ हिंदू पक्ष का दावा है कि मौजूदा मस्जिद की जगह पर भगवान विष्णु का मंदिर हुआ करता था, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उनकी ये मस्जिद ऐतिहासिक है। मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब एक्सपर्ट्स की एक टीम सर्वे करने के लिए मस्जिद के अंदर पहुंची और कथित तौर पर विवादित जगह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की। जैसे ही मुस्लिम समुदाय को इस बात का पता चला तो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुमे की नमाज में शामिल होने की अपील कर दी। इस पोस्ट के बाद पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तो इस वीडियो में आज हम संभल मस्जिद विवाद क्यों भड़का, इस पर बात करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के बाद अब संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने संभल के चंदौसी सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में दावा किया गया कि जामा मस्जिद से पहले वहां पर श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था और इसके लिए उनकी तरफ से दो किताबें, जिसमें एक बाबरनामा और दूसरा आईने अकबरी है, और एक ASI की 1.5 साल पुरानी रिपोर्ट सबमिट की गई, इसका हवाला दिया गया। याचिका दायर करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, संभल में श्री हरिहर मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यहाँ पर कल की अवतार होना है। साल 1529 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर उसे मस्जिद में बदलने की कोशिश की थी, इसलिए हमने याचिका लगाई है। सर्वे के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। याचिका दायर होने के बाद कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया। सर्वे करने वाली टीम ने मस्जिद के अंदर कथित तौर पर विवादित जगह की फोटो खींची और वीडियो भी बनाए। इस दौरान मस्जिद के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद वहां पर हालात तनावपूर्ण बन गए। मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा है कि शाही जामा मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद है जो कभी नहीं हट सकती, और कोर्ट में याचिका दायर करके माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। इसके बाद से माहौल नाजुक होता चला गया। सरकार से सोशल मीडिया पर लगातार भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे हैं। इसी क्रम में एक पोस्ट में जुमे की नमाज के दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मस्जिद के अंदर इकट्ठा होने की अपील की गई है। जैसे ही पुलिस को इस पोस्ट के बारे में पता चला, पूरा महकमा हाई अलर्ट मोड पर आ गया। जुमे की नमाज से पहले जिले के DM और SP ने RRF और PSC के जवानों के साथ संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च शुरू कर दिया। DM ने कहा कि अगर किसी ने माहौल को खराब करने की कोशिश की तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। वहीं SP ने असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। शहर में जगह जगह पर CCTV लगाए गए हैं और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। मस्जिद की तरफ जाने वाले 3 रास्तों में से 2 को बल्ली और बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी सर्वे की बात सुनकर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज़ जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। इस पूरे विवाद के बीच फिलहाल कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 29 नवंबर तय की है। इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए ABP लाइव। धन्यवाद।